हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज़ इट गोइंग? दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल से इंग्लिश बोलना सीख रहे होंगे और लिखना भी सीख रहे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश या इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। उसमें कॉन्वर्सेशन के अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना और बोलना सीख सकते हैं। उसी कड़ी में दोस्तों, आज कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपके लाया हूँ, क्वेश्चंस फॉर कॉन्वर्सेशन, और ये जॉब्स के बारे में क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस क्यों, ये सवाल उठता है। तो क्वेश्चंस इसलिए कि अगर आपको किसी से भी इंग्लिश में बातचीत शुरू करनी हो तो आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए उससे। एक कहावत है कि द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इज टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको किसी से भी बातचीत शुरू करनी हो तो आपको सवाल पूछने चाहिए उससे, और उससे आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सवाल आखिर किस टॉपिक पर पूछने चाहिए। तो आज का टॉपिक है दोस्तों जॉब्स, कि किसी की जॉब के बारे में उससे सवाल पूछ के हम उससे बातचीत अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ एक क्वेश्चंस मैंने लिखे और ये आपकी हेल्प करेंगे किसी के भी साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में। तो दोस्तों, एक एक करके सीखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन तो वही है दोस्तों, व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब। आप किसी से पूछ सकते हैं कि आपकी पहली जॉब कौन सी थी। तो आदमी जो सामने वाला इंसान है जिसे आपने सवाल पूछा है, वो आपको बताना शुरू करेगा कि उसकी पहली जॉब कैसी थी, उसने कैसे ज्वाइन किया, और वो काफ़ी हो सकता है डिटेल में आपको बात बताए और इस तरीके से आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट वॉज योर फर्स्ट जॉब, आपकी पहली जॉब कौन सी थी। नहीं तो दोस्तों, हम पूछ सकते हैं व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर जॉब, कि आपकी जो जॉब है अभी उसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, वो कौन सी चीज़ है जो आपकी जॉब में अच्छी लगती है। क्योंकि कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसको कोई चीज़, कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ पर अच्छी लगी रही होगी। तो ये हम उससे पूछ सकते हैं, और इस तरीके से ये सवाल पूछ के उसके साथ हम अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी बातचीत को स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, हम पूछ सकते हैं उससे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर करंट जॉब, कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कब से आप ये जॉब कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको ये जॉब करते हुए। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर करंट जॉब, ये जॉब आपके पास कब से है। नहीं तो दोस्तों, हम पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ जॉब वुड यू लव टू हैव, अगर आपको ये जॉब पसंद है या नहीं है, आप किस प्रकार की जॉब चाहेंगे कि आपको मिले, कि ऐसी जॉब मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। ऐसे सोचते लोग कई बार कि सारा दिन बैठे ही रहना पड़ता, कोई काम नहीं करना पड़ता, एयर कंडीशन कैबिन मिल जाता और सारा दिन ऑर्डर देना होता, तो इससे अच्छी जॉब और क्या हो सकती है। तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब वुड यू लव टू हैव, कि आपको किस प्रकार की जॉब मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी हम पूछ सकते हैं किसी से और अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा सवाल है, उसी का ऑपोजिट है, कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब वुड यू हेट टू हैव, कि आप कैसी जॉब नहीं करना चाहेंगे, ऐसी जॉब, अरे ये जॉब कौन करेगा, ये तो बेकारी जॉब, इसमें तो सारा दिन काम ही करना पड़ेगा और सारे दिन ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, ऑर्डर्स को निपटाना पड़ेगा, जो भी काम मिलेगा यहाँ, ऐसी जॉब मुझे नहीं करनी। तो आप पूछ सकते किसी को व्हाट काइंड ऑफ जॉब वुड यू हेट टू हैव, कि आप कैसी जॉब नहीं करना चाहेंगे। ऐसे दोस्तों, उसके बाद एक सवाल है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ़ यू वन अ लॉट ऑफ मनी, अगर आपको कहीं से बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाए, आपकी कोई लॉटरी लग जाए, वुड यू गिव अप वर्क, तो क्या आप काम करना छोड़ देंगे। अगर आपको कहीं से बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाए तो क्या आप काम करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अब पूछ के सुनना चाहिए कि सामने वाला क्या कहता है और कैसे कैसे बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ के हम अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक क्वेश्चन है, व्हाट्स द वर्स्ट जॉब यू हैव हैड, वो कौन सी जॉब थी अभी तक आपके करियर में जो आपके लिए बहुत ही ख़राब रही, सबसे बुरी रही, जिसको करके आपने कहा कि अब आगे लाइफ में ऐसी जॉब में दोबारा कभी नहीं करूँगा, ये तो एकदम ही बेकार जॉब थी मेरे लिए। तो व्हाट्स द वर्स्ट जॉब यू हैव हैड, कि वो जॉब कौन सी थी जो आपके लिए अभी तक बिल्कुल ही बेकार थी। तो ये सारे सवाल पूछ के हम अपनी बातचीत किसी के भी साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन और है कि डू यू नो एनी वन विद एन इंटरेस्टिंग जॉब, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी जॉब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कमाल की है, आप चाहते हैं कि आपको भी वो जॉब मिल जाए। तो क्वेश्चन वही है दोस्तों, डू यू नो एनी वन, क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं विद एन इंटरेस्टिंग जॉब, कि जिसकी जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही कमाल की हो। तो दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें से अगर आप तीन चार भी याद कर लें तो आप किसी के भी साथ अपनी बातचीत को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी जो प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की, उसमें और भी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। तो अब अगर आप हर टॉपिक में से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस याद कर लें तो आप किसी के भी साथ अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक की मदद से आपके लिए इंग्लिश बोलना और लिखना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें,
और अगले वीडियो में हम फिर एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।